एक हदीस पाक सुन ले, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तफसीर कशाफ में बड़ी तवील हदीस है ये, उसके कुछ जुमले यहाँ पे है अहले बैत अतहार की मोहब्बत पे, मम माता अला हुब्बी आली मोहम्मदिन माता शहीदन, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद है। अला व मम माता अला हुब्बी आली मोहम्मदिन माता मग़फूर लहू, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो बख्शा हुआ है। अला व मम माता अला हुब्बी आली मोहम्मदिन माता ताइबन, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो तौबा करके मरेगा। माता अला हुब्बी आली मोहम्मदिन माता अला सुन्नती वल जमाती, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो अहले सुन्नत वल जमात होकर मरेगा, अहले सुन्नत वल जमात पर उसकी मौत होगी। और फिर आखिर में अल्लाह के नबी फरमाते अला व मम माता अला बुग़्ज़ी आली मोहम्मदिन माता काफिरन, और जो अहले बैत के बुग्ज में मरेगा वो काफिर होके मरेगा। समझे? अरे अहले बैत की मोहब्बत क्या है, ये तो हमें बरेली ने बताया है। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुख्तदा के वास्ते, ये आवाज बरेली की ही है। और बरेली को लोगों ने यूं ही मरकज नहीं माना है। आज का बरेली ये क्या लगा के रखा है? अरे बरेली को हुजूर सदरुल अफाजिल ने मरकज माना है, बरेली को हुजूर सदरुल शरिया ने मरकज माना है, बरेली को सैयदुल उलमा ने मरकज माना है, बरेली को हसनुल उलमा ने मरकज माना है, बरेली को मुहद्दिस सूरती ने मरकज माना है, बरेली को शेर बेशाह अहले सुन्नत ने मरकज माना है, बरेली को मुजाहिद मिल्लत ने मरकज माना है। बरेली कल भी मरकज था, आज भी मरकज है, कयामत तक मरकज रहेगा। बरेली वहां के गली कूचों की वजह से मरकज नहीं है, बरेली की मरकजियत शहर की वजह से नहीं है, आला हजरत की वजह से है, हुज्जतुल इस्लाम की वजह से है, मुफ्ती आदम हिंद की वजह से है, ताजुल शरिया की वजह से है। जब तक ये मुकद्दस हस्तियां उस जमीन पर आराम फरमा है, वो जमीन हमारा इल्म का भी मरकज रहेगा और हमारी अकीदत का भी मरकज रहेगा। लोगों को उन्वान नहीं मिलते, बस उठाया और इसी उन्वान पे तकरीर करना शुरू। 50 उन्वान पड़े हैं दरगाहों मजारात पे, खुराफात हो रहा है। ढोल बाजे संदल के साथ, ढोल बाजों के साथ दरगाहों पे उर्स का संदल निकाला जा रहा है। हद तो यह कि हिजड़ों को नचाया जा रहा है, वहां पे जबान खामोश। वहां भी देवबंदी गली गली डगर डगर घूम के लोगों के अकीदे ईमान को सल्व कर रहे हैं, अकीदे और ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वहां पे खामोश। लेकिन बरेली पे तंज करने की बात आ जाए तो आज का बरेली मियारे हक नहीं है। अरे आज का बरेली भी वही बरेली है जो कल था। बरेली आला हजरत की वजह से मरकज है। और ये जुरात और हिम्मत की बात बरेली वालों के सामने नहीं करना, जुरात और हिम्मत दुनिया ने बरेली वालों से सीखा है कि जब अकीदा अहले सुन्नत पे हमले हो रहे थे, नबी की अजमत और बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत पे हमले हो रहे थे, जब दरगाहों पे हाजिरी देने को शिर्क कहा जा रहा था, जब देवबंदियत वहाबियत अपना सर उबार रही थी, तो ये बरेली ही था जहां से आवाज उठी थी किलके रदा है खंजरे खुखार बर्तबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अरे दुनिया ने हिम्मत और जुरात बरेली से सीखा है। और तुमने कायदे मिल्लत को क्या पहचाना? कायदे मिल्लत की हिम्मत की बात करते हो? तुम तो अपने गली मोहल्ले में बैठकर सिर्फ तंज कर सकते हो, बंद कमरे में बैठकर तकरीरें करना आता है, लेकिन कायदे मिल्लत उस जात का नाम है जो पूरी दुनिया में घूमकर पैगाम सहाबा और पैगाम अहले बैत को आम कर रही। रिसालत मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत ते तकबीर। बरेली की अकीदत और मोहब्बत क्या है? बरेली वालों की मोहब्बत और अकीदत क्या है? अगर देखना हो तो ताजु शरिया के जनाजे को देख लो। अगर ताजु शरिया के जनाजे में हाजिर होते तो ऐसी गुफ्तगु ना करते कि बरेली क्यों कोई मानता नहीं। अरे करोड़ों मुसलमानों का मरकज बरेली है, कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। और ये तंजीहा गुफ्तगु करना बंद करो, कौम की इसलाह करो। कौम की लड़कियां भागकर मुर्तद हो रही हैं, कौम के लड़के शराबी हो रहे, जुआरी हो रहे, एमडी का नशा कर रहे हैं, इनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। कौम के बच्चे दुनियावी तालीम में भी पीछे, दीनी तालीम में भी पीछे, हजारों मौजू पड़े हैं। ये सारे टॉपिक और उनवान को छोड़ दिया और तंजिया गुफ्तगू, कभी बरेली के ऊपर, कभी आला हजरत के ऊपर, कभी कायदे मिल्लत के ऊपर, ये क्या तरीका है? ये अगर ऐसी गुफ्तगू होती रही तो जवाबात भी मिलते रहेंगे, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली से हमारी जो अकीदत है, मोहब्बत है, ये ईमान और अकीदे की तहफ्फुज़ के बुनियाद पर है। आला हजरत से हमारी अकीदत और मोहब्बत है तो आला हजरत के इल्मी कारनामों, आपके तकवे, आपकी परहेजगारी और बदअकीदों के खिलाफ आपकी जारहाना सलाहियत की बुनियाद पर है। ये वही आला हजरत है जब खानकाहों के तकद्दस पे सवाल उठा था, हुजूर के इल्म गैब और शफात पे लोगों ने शिर्क के फतवे दिए थे कि जिसने शफात माना, इल्म गैब माना, हुजूर का इख्तियार माना, वो मुशरिक। तो बताओ उस वक्त अद-दौलतुल मक्किया किसने लिखा? शफात पे रिसाले किसने लिखे? अल अमन वल उला किसने लिखा? ये आला हजरत की ही तो जात है। मुदल्लल जवाब दिया बदअकीदों को और फिर कहते हैं कि वो रजा के नेजे की मार है, कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है, कि वार वार से पार है ना। तो भाई ठीक है, आपको अगर किसी चीज पर एतराज है तो दलाइल व बराहीन की रोशनी में रखिए कि तंज करना क्या है। तंज करना किसी पर भी बगैर किसी दलील के और लोगों के जहन को खराब करना, यह अच्छी बात नहीं है, समझे। अहले बैत अतहार का मकाम व मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं बुजुर्गों से तो हमने सीखा है। क्या फरमाया आला हजरत ने? कैसे आकाओं का बंदा हूं रदा, बोल वाले मेरी सरकारों के। अरे खुद आला हजरत के अंदर वो सलाहियत, वो काबिलियत, वो खुदादाद आला हजरत के अंदर लियाकत, लेकिन आप क्या फरमाते हैं? अय रजा, ये अहमद नूरी का फैज नूर है, हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अपने मुर्शिद की तरफ मंसूब करते हैं, अपने आकाओं की नजर करते हैं। अदब और एहतराम अगर सीखना हो तो आला हजरत को पढ़ो। आला हजरत ने दुनिया को अदब सिखाया है। अहले बैत अतहार से सिला रहमी, उनसे मोहब्बत, उनके अकीदत के कई वाकयात हैं। एक वाकया बस चलते चलते मैं सुना रहा हूं, आप सुन ले, सुनना अगर चाहेंगे आप तो, वरना 12 बज गया है। सुनना चाहते हैं सब? पक्का हाथ उठाकर बताएं, माशाल्लाह सब सुनना चाहते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रजी अल्लाह तआला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। ये अपनी जिंदगी के तीन हिस्से इन्होंने किए थे, एक साल जिहाद करते, एक साल दरसो तदरीस करते और एक साल तिजारत करते। जिस साल तिजारत करते जो माल आता गरीबों में लुटा देते। ये कहते हैं कि मैंने कई हज कर लिया था लेकिन एक मर्तबा मेरे दोस्तों ने, अहबाब ने मुझसे कहा कि भाई हम हज के लिए जा रहे हैं, अगर आप चलना चाहे तो चले। तो कहा कि मेरा जी चाहा कि मुझे हज को जाना चाहिए, दोस्तों के साथ तैयार हो गया। अब वक्त कम था, काफिला निकलने वाला है। कहते हैं कि मैं बाजार गया कि सामान खरीद लूं, अभी पैसे मेरे जेब में ही थे। जब बाजार पहुंचा तो वहां पे एक पर्दा नशीन खातून वो आ गई और आकर जो है मुझसे कहती हैं कि आपके चेहरे पर खैर और भलाई के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि आप अहले बैत नबूवत से मोहब्बत करते हैं। तो आपने कहा कि हाँ। तो कहा मैं एक सैयदजादी हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती, आपके चेहरे की नूरानियत ने मुझे आपकी तरफ माइल किया है। मैं भूखी हूं, बच्चे भी भूखे हैं, कुछ हो तो अता कर दें।
हजरत मोहम्मद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं मेरे पास 500 दिरहम थे, सब दे दिया। दोस्तों से कहा कि देखो मैंने कई हज कर लिए हैं, अब इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो कर लूंगा। फिर दिल ही दिल में जो है तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला तूने एक सैयद जादी की मदद की तौफीक अदा फरमाई। कहते हैं कि जब मेरे अहबाब हज करके वापस आए, जब वापस आए तो मैंने कहा भाई चलो आए हैं तो मुलाकात कर लूँ, मुबारकबाद दे दूँ। जब मुबारकबाद के लिए मैं पहुंचा और कहा मुबारक हो आपका हज, अल्लाह कबूल करे, तो वो भी मुझे उल्टा कहते हैं कि इब्ने मुबारक तुम्हें भी तुम्हारा हज मुबारक हो और अल्लाह तुम्हारा भी हज कबूल करे। कहते बात समझ में नहीं आई। दूसरे दोस्त के यहाँ गया, उसे मुबारकबाद दी तो वो भी मुझे ये कहता है कि आपको भी आज आपका हज मुबारक हो, अल्लाह कबूल करे। कई दोस्तों ने मुबारकबाद दी, मैं बड़ा परेशान कि या अल्लाह क्या माजरा, मैं तो हज को गया नहीं। घर में आए जब सोए तो क्या ख्वाब देखते हैं कि गैब से कोई कह रहा है कि इब्ने मुबारक तुम सोचते हो, मुनादी निदा करता है कि तुम सोच रहे हो कि है ना ये लोग तुम्हें मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं, जानते हो तुमने नबी की शहजादी की मदद की, एक सैयदजादी की मदद की, तो अल्लाह ने तुम्हारी शक्लो सूरत का एक फरिश्ता पैदा कर दिया, उस फरिश्ते ने तुम्हारी जगह हज अदा किया है और तुम्हारे इन मसाहिब ने उसी फरिश्ते को कभी अरफात में देखा, मुस्तलफा में देखा, मीना में देखा, हरम में देखा, तो समझ रहे थे कि तुम ही हो, जबकि वो फरिश्ता तुम्हारी तरफ से हज कर रहा था। इब्ने मुबारक सारे हाजी हज करके जा चुके, अब दोबारा आए या ना आए, लेकिन ये फरिश्ता कयामत तक तुम्हारे लिए हज करता रहेगा, हर साल तुम्हारे लिए हज होता रहेगा। ये हजरत इब्ने मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मकाम मर्तबा मिला एक सैयदजादी की मदद करके। इसलिए अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, उनका अदब करें, बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो इतना अदब सिखाया कि आप घर में तशरीफ फरमा है, अचानक बाहर एक आवाज आती है कि है कोई जो सैयद को कुछ दिला दे, सुनना था इतना कि आला हजरत खड़े हो गए एकदम और बाहर तशरीफ लाए, अदब से हाथ बांध दिया। सैयदजादे आला हजरत ने सादात का बड़ा अदब किया है, दुनिया को सैयदों का अदब करने सिखाया आला हजरत ने, अदब से खड़े हो गए और कहते हैं कि दिला दे, ये क्या कह रहे हैं, ये घर आपका है, हम तो आपके आकाओं के आपके बाप दादाओं के गुलाम और खादिम हैं, आप हुजूर के शहजादे हैं। और फिर आपने घर में कहा कि जितना भी रुपया पैसा है सब एक थाली में रख के लाओ, पूरा रुपया पैसा जितना तो जमाने में इकन्नी दुकन्नी और चार आना पांच आना जो भी चलता था है कि नहीं, कौड़ी और धेला वगैरह सब एक उसमें जमा किया और आला हजरत ने उनके सामने अदब से पेश किया, कहा हुजूर ये सब आपका है, चाहे तो पूरा रखे या जो आपको जरूरत है आप ले लें। उन्होंने एक उसमें एकन्नी उठा ली, एकन्नी चलती थी पहले, उठा ली उन्होंने, कहा ये मेरे खर्च के लिए काफी है, दिन भर का खर्च इसमें हो जाएगा। आला हजरत ने घर में कह दिया कि देखो जब भी ये सैयद साहब आए तो इन्हें कहने की जरूरत ना पड़े, इन्हें देखते ही पैसा इनके सामने कर देना या एकन्नी इन्हें दे देना, इन्हें कहने की जरूरत ना पड़े। ये आला हजरत फाजले बरेलवी रजी अल्लाह तआला की शान है, आपने सादात का एहतराम और अदब इस अंदाज में पूरी दुनिया को दिया है और फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरे।